भुवन आ जाए, भुवन चौहान, चाहे अली बिलाल आए उसमें, चाहे हमारे राहुल फिटनेस भाई आए, चाहे मेरा भाई जुनैद कलीवाला आए, चाहे कोई भी आए, तो सबको ओपन इनविटेशन। रिमेंबर प्रो शो ग्रो। IFBB की रूल बुक ये कहती है कि अगर कोई कोच कंपटीशन जज कर रहा है तो उसको उसी टाइम डिसमिस कर देना चाहिए। तो जो 14 और 15 को उनकी रात की रिपोर्ट देख लेना, सबकी रिपोर्ट छोड़ो, उनकी हालत देख लेना। बहुत खास परफॉर्मेंस इस साल भी होगी और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो में बात करेंगे लवप्रीत सिंह, तरुण गिल, भरत सिंह वालिया और अमित पंघाल की। तो गाइज वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं भरत सिंह वालिया की। तो गाइज भरत सिंह वालिया ने शेरू क्लासिक 2023 को लेकर कुछ कहा है, तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। क्या हाल है मित्रों, जय श्री राम। मैं जगत मित्र मॉडर्न साधु भरत सिंह वालिया। आज कैमरा में फिट होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम परफॉर्म करने आ रहे हैं एलिगेटर न्यूट्रिशन के लिए IHFF शेरू क्लासिक 2023 पूरे एक साल बाद 17-18 जून प्रगति मैदान दिल्ली। आप सभी के संदेश मुझ तक पहुंच पा रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं एक बहुत खास परफॉर्मेंस इस साल भी होगी और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। इस साल मोदी जी की मन की बात शो में जाने के बाद, अपने मन की बात रखने के बाद, सरकार को यह बताने के बाद कि बॉडी बिल्डर्स इस देश के लिए हीरे हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या होगा फिटनेस इंडस्ट्री का आने वाला भविष्य, ये जानना बहुत जरूरी है। मिलते हैं दोस्तों एलिगेटर न्यूट्रिशन के बूथ पे। जय श्री राम। तो नेक्स्ट अपडेट लवप्रीत सिंह की तरफ से आ रही है। तो गाइज लवप्रीत सिंह शेरू क्लासिक नहीं खेल रहे हैं और लवप्रीत सिंह ने भुवन चौहान, अली बिलाल, राहुल फिटनेस और जुनैद कलीवाला को ओपन चैलेंज किया है। और लवप्रीत सिंह नेक्स्ट शो कौन सा खेलने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में लवप्रीत सिंह से ही सुन लेते हैं। दिल्ली प्रो मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन ऑल्सो एंड माई प्रोफेशनल रीजन एज वेल। सो प्रोफेशनल रीजन पहले हैं, पर्सनल रीजन बाद में है। प्रोफेशनल रीजन मेरे ये हैं कि मैंने जैसे एज आई मैंशन एंड टोल्ड माई इन माई वो उसमें सॉरी अ लिटल वो नॉट अपसेट एक्चुअली यस सो हाँ 17th को मैं 17-18 जो डेली ब्रो शो हो रहा है मैं वो नहीं कर रहा हूँ। रीजन बिहाइंड दिस इज माई पर्सनल रीजन एंड माई प्रोफेशनल रीजन। सो प्रोफेशनल रीजन इज के मैं जैसे मैंने एज आई मैंशन अर्लियर इन माई प्रीवियस इंटरव्यू विद आसिम, तो उसमें मैंने कहा था कि मैं जो है डेली ब्रो करूँगा और मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट कॉल आउट टॉप 5। सो यस अब हमारा टारगेट वो नहीं है। सो मैं और मेरे कोच हैरी सर ने हमने बड़ा इसमें ब्रीफली सॉरी क्लोजली एग्जामिन की हैं चीज़ें, सारी चीज़ें देखी हैं हमने जो हमारी बॉडी इसका रीज़न बता रहा हूँ कि हमने क्यों नहीं किया दिल्ली प्रो शो। बिकॉज हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, हमारी गेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। हम ये सारी चीज़ें आपको जो है वो टाइम टू टाइम मैं अपडेट दे रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये ग्रोथ रुके। सो आने वाले टाइम में जल्दी अनाउंस करूंगा दिल्ली प्रो शो नहीं लेकिन मुंबई फॉर श्योर 100% मुंबई में मैं आपको ऑन स्टेज दिखूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और वहां पे दिखूंगा और वहां पे खेलूंगा और जीतूंगा। यस अकाल साहेब बाबा दीप सिंह जी साहे सामने हैं। सो हमारा सच्चे पाशाह सोख रखे। ये वाला शो हमने कर दिया पोस्टपोन, मुंबई प्रो शो खेलेंगे हम नवंबर में जो कि इंडिया में होने जा रहा है। और वो शो मैं सिर्फ टॉप 5 या फर्स्ट कॉल आउट में आने के लिए नहीं खेलूंगा, वो शो मैं जीतने के लिए खेलूंगा। आई विल मेक श्योर दैट कॉम्पिटिटर्स आर कॉम्पिटिटर्स, चाहे भुवन आ जाए, भुवन चौहान,
चाहे अली बिलाल आए उसमें, चाहे हमारे राहुल फिटनेस भाई आए, चाहे मेरा भाई जुनैद कलीवाला आए, चाहे कोई भी आए, सो सबको ओपन इनविटेशन। रिमेंबर प्रो शो ग्रो, आई विल नॉट ट्राई माई बेस्ट, आई विल मेक श्योर दिस दैट आई विल विन दैट प्रो शो, मी एंड माई कोच। सत्याकाल बाबा जी यार ने। सो मी एंड माई कोच डिसाइडेड टू पोस्टपोन द शो फ्रॉम दिल्ली प्रो टू मुंबई प्रो। हो सकता है एक सरप्राइज उसके पहले भी दे दूं मैं आपको, हो सकता है दिल्ली प्रो शो से पहले, मुंबई प्रो शो से पहले जो कि नवंबर में होने जा रहा है, उससे पहले मैं कोई प्रो शो अनाउंस कर दूंगी, मैं कह रहा हूँ। सो यस, वी आर गेनिंग प्रीटी वेल, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। और थैंक यू एक जो, थैंक यू सो वेरी मच। यस, तो वो सारी गेनिंग टू गुड। तो नेक्स्ट अपडेट तरुण गिल की तरफ से आ रही है। तो गाइज, तरुण गिल ने जजेस पैनल के बारे में बताया है और तरुण गिल IFBB शो को एक्सपो किया है। तो चलिए वीडियो में तरुण गिल से ही सुन लेते हैं। क्या एक कोच को बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जज करना चाहिए? क्या उसको जजिंग पैनल पे होना चाहिए? IFBB की रूल बुक ये कहती है कि अगर कोई कोच कॉम्पिटिशन जज कर रहा है तो उसको उसी टाइम डिसमिस कर देना चाहिए, वो नहीं पॉसिबल। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड IHFF में क्या हो रहा है, एमेच्योर ओलंपिया में क्या हो रहा है, उनके जजेस के बारे में बात करते हैं। और ये मैंने पोस्ट उन्हीं के पोस्ट पेज से निकाली इंस्टाग्राम से, सो लेट्स टॉक अबाउट देयर जजेस। सो सबसे पहले उनका जो जजिंग पैनल में आते हैं वो है हमारे डॉक्टर दीपक पराशर। जो डॉक्टर दीपक पराशर शेरूपा जी के दोस्त हैं, प्लस अगर आप इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे तो ये एक ट्रेनर भी हैं, तो ये ट्रेन भी कराते हैं, राइट? ये भी ट्रेनर हैं। प्लस दूसरे जजिंग पैनल में बैठते हैं हमारे राम पराशर, जो दीपक पराशर के ही बेटे हैं। ये क्या करते हैं, ये भी एक कोच हैं, ट्रेनर हैं, जो चलाते हैं राम द ट्रांसफॉर्मर के नाम से अपना इंस्टाग्राम पेज। तीसरे जो इनके जजिंग पैनल में बैठते हैं वो हैं डॉक्टर सोम तुगनेत। ये तो हमारे लेजेंडरी कोच हैं ही हैं, इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत ही लड़के तैयार करते हैं। बट ये तीनों जजिंग पैनल में, फोर्थ डॉक्टर पीटर जेरट और फिफ्थ स्टीव। अब आप मुझे बताइए, पांच में से आपके तीन जो लोग हैं वो कोच हैं, और अगर उनके स्टूडेंट्स आके खेलेंगे वही कंपटीशन, क्या स्कोप रह जाएगा फेयरनेस का? आई डोंट नो, ये मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। अगर IFBB में बोला हुआ है उनकी रूल बुक में कि आपके जजेस कोच नहीं हो सकते, तो वो कोच आपने क्यों डाले हुए अपने जजिंग पैनल में? मैं ये सवाल कर रहा हूँ शेरूपा जी से, IHFF से, क्या ये फेयर है? तो नेक्स्ट और लास्ट अपडेट अमित पंघाल की तरफ से आ रही है। तो गाइज, अमित पंघाल ने शेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट करने वाले बॉडी बिल्डर्स के बारे में क्या बोला है, तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। लेकिन आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब शेरू क्लासिक आ रहा है, कब का है मेरे, आज क्या डेट है? 16 आज का है, आज होगी 13 होगी ना, तो जो 14 और 15 को उनकी रात की रिपोर्ट देख लेना, सबकी रिपोर्ट छोड़ो उनकी हालत देख लेना, पानी छोड़ा होगा, किसी की मम्मी पकड़ रही होगी, किसी के पापा पकड़ रहे होंगे, बेटा क्या कर रहा है तू? अरे नमक छोड़, जो असली असली मौत का कारण है वो पता क्या है? जो डाइट्रोल लेते हैं ना, डायुरेटिक्स लेते हैं पानी निकालने के लिए बॉडी से, सबसे बड़ा कारण है मौत का, गूगल पे सर्च कर लेना चाहे, सबसे ज्यादा मौतें भारत में उससे हो रही है जो बॉडी बिल्डर हैं। ये डायुरेटिक्स बोलते हैं वो जो केमिस्ट पे मिलती है, इनसे लोग मरते हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या, जो चलो मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, जिसको जो करना है वो करो, आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है। मैं तो हाथ जोड़ के सिर्फ अपील कर सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है? मेडल मिलेगा, कोई इंटरनेशनल ओलंपिक का पदक नहीं है कि हरियाणा सरकार आपको 2 करोड़ रुपए देगी और DSP की नौकरी देगी। टेंट लगा के रोज 100-100 होते हैं, हर संडे 100 होते हैं। अरे कह रहे डेली हर संडे 100 होता है, कोई मिस्टर वर्ल्ड करा रहा है टेंट लगा के, कोई मिस्टर हरियाणा करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, शेरू क्लासिक करा रहा है, कितने शो हो रहे हैं, कुछ नहीं मिलना, ठेंगा मिलना बाबा जी का, देखो जरा कुछ नहीं मिलना, और नौकरी तो भूल जाओ भाई, अपना नोट कमाओ, तगड़ी बॉडी रखो, घर वालों को दिखते रहो, बड़ी मेहनत करी थी माँ ने और बड़ी मेहनत करी थी उस बाप ने, चप्पलें तुड़वा तुड़वा के इतने बड़े कर रहे हो, ठीक है?